पिछले हफ्ते 28 मार्च से दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण को टेलीकास्ट किया गया, जिसने एक बार फिर से लोगों का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और लोगों को साथ बांधने पर मजबूर कर दिया है। रामायण से हर घर में पहचान बनाने वाले अरुण गोविंद को लोगों ने खूब प्यार दिया। रामायण में राम का किरदार निभाकर अरुण हर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुण गोविंद ने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है? जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में अरुण कई गानों यहाँ तक कि कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब आपको उन फिल्मों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, तो आइए बताते हैं आपको उन फिल्मों के बारे में। गांव देश, इस फिल्म की फोटो आप गूगल पर देख सकते हैं क्योंकि अब इनकी सारी फिल्में और गाने जमकर वायरल हो रहे हैं। प्यारी दुल्हनिया, ये सीन फिल्म प्यारी दुल्हनिया की ही है जिसमें अरुण बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इस गाने में अरुण के साथ मीरा माधुरी नजर आ रही हैं और अब ये गाना YouTube पर जमकर वायरल हो रहा है। इस फिल्म को 1987 में रिलीज किया गया था। देवर भाभी, ये फिल्म भी पुरानी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अरुण के साथ पंजाबी एक्ट्रेस उपासना सिंह नजर आई थी। आपको बता दें कि अरुण गोविंद ने सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के फिल्मों में भी काम किया है। सांच को आंच नहीं, सावन आने दो, ससुराल, पहेली जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा भी उन्होंने लव कुश, विक्रम बेताल, पलछिन, फुलवंती जैसी धारावाहिक में भी उन्होंने काम किया। लेकिन अरुण को खूब सारा प्यार और बड़ी उपलब्धि मिली रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक से। इस धारावाहिक ने उनकी जिंदगी को ऐसा बदला कि सभी उन्हें भगवान राम के स्वरूप पूजने लगे। अरुण गोविंद ये खुद मानते हैं कि रामायण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। वेल, तो क्या आप जानते थे या नहीं अरुण ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है? हमें कमेंट कर बताएं।